आज देने वाले हैं आपको गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम वाराणसी का पूरा अपडेट। ये देख सकते हैं निर्माण कार्य, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दिखाने वाले हैं आपको वाराणसी में जो इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है उसका काम कितना तक पहुंचा है उसको दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में जो इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण हो रहा है उसमें ज़्यादातर मात्रा में 3 सब आएगा, जैसे 30 एकड़ ज़मीन बनाया जा रहा है, 300 करोड़ की लागत में बनाया जा रहा है और 30 महीना में पूरा हो जाएगा। इस तरीके से 3 शब्द इस निर्माण कार्य में, इस स्टेडियम में कई जगह आने वाला है। तो अभी तक कितना काम हो पाया है उसके बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीछे आप देख सकते हैं निर्माण कार्य की पूरी प्रगति जो हो रही है, वीडियो में आपको अंत तक देखने में मिल जाएगा, तो कहीं भी स्किप मत करिएगा, वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ये देख सकते हैं निर्माण कार्य की जो स्थिति है अभी तक की, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सामने आप देख रहे हैं गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम का जो अपडेट है, कहां तक कार्य पहुंचा है ये सामने आपको दिख रहा है। दोस्तों सामने आप जो देख रहे हैं ये केबिन स्टाफ और मेडिकल टीम का बना हुआ, जो सेफ्टी को बहुत अच्छे तरीके से केयर करने के बाद ही, यानी मेडिकल चेकअप करने के बाद ही जो श्रमिक हैं वो स्टेडियम में काम करने के लिए जाते हैं, यानी सुबह शाम चेकअप इस केबिन के अंदर होता है। ये हाई सिक्योरिटी केबिन है। और ये देख सकते हैं जो सामने मिट्टी जेसीबी से खुदाई होकर के ये गाजा जा रहा है, ये है स्टेडियम के बीचों बीच का एरिया है जहाँ पर ग्राउंड यानी पिच तैयार किया जाएगा। और सामने आपको दिख रहा है ये रिंग रोड है जो राजा तालाब से लेकर के हरहुआ तक आपको जोड़ता है, ये रिंग रोड है। ये हर लोगों को आने जाने के लिए सबसे सुगम रास्ता है, यानी आप यहाँ से प्रयागराज से भी आएंगे तो राजा तालाब उतरने के बाद आप स्टेडियम में आ सकते हैं, इधर बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आसानी से इस रास्ते से आ सकते हैं, कैंट रेलवे जंक्शन पर उतरते हैं तो भी आप बहुत आसानी से क्रिकेट देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो काफ़ी सरल सुविधा के रूप में आप लोग को ये रिंग रोड मिल जाएगा। ये सामने देख सकते हैं ये मिक्सर मशीन कंक्रीट सीमेंट को मिक्सिंग करने के बाद आराम से जो है निर्माण कार्य में लगाया जा सकता है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर स्टेडियम की सामग्री को नापतोल करने के लिए यहाँ पर धर्मकांटा का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि आगे वहाँ पर धर्मकांटा बनाया जा रहा है, परंतु वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो छोटा पड़ने के कारण अब ये यहाँ बनाया जा रहा है बड़ा धर्मकांटा। दोस्तों ये LNT के अधिकारियों के लिए बनाया गया, जो उच्च कोटि के अधिकारी हैं और ग्राउंड का निरीक्षण करने के लिए आएंगे उन अधिकारियों के लिए ये केबिन तैयार किया गया है। काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाले केबिन है ये। सामने आप देख सकते हैं ये जो मशीन आपको दिखाई पड़ रही है सामने, ये डाई मशीन है, इसमें साँचा तैयार किया गया है, ये ढलाई करके इस टाइप का चैम्बर निकाल के देगा ताकि किनारे किनारे इसको उपयोग किया जा सके। ये देख सकते हैं ये पिलर के नीचे जो चैम्बर बनाएंगे जहाँ गड्ढे की खुदाई हुई है बाउंड्री वाल के लिए, ये वहाँ पर लगाया जाएगा। और इसको बनाने के लिए ये सामने ये देख सकते हैं यहाँ पर ढलाई इसकी की जा रही है। आपको बता दें सामने आपको दूर पर वो दिखाई पड़ रहा है ये पिलर हेतु ये गड्ढे खुदाई की गई है, यानी ये
स्टेडियम का बाउंड्री वाल यहाँ लास्ट का बनाया जाएगा, उसी बाउंड्री वाल में लगने के लिए ये चैम्बर तैयार किया गया है। यहाँ देख सकते हैं स्टेडियम की जो बाउंड्री है, बाउंड्री के लिए गड्ढे की खुदाई हो गई है, चैम्बर नीचे तैयार हो गया है। और ये गड्ढे खुदाई बाउंड्री के यानी स्टेडियम के लास्ट छोर तक ले जाएगा, यानी लास्ट बाउंड्री यही है स्टेडियम के लिए। दोस्तों आपको बताते हैं, यहाँ पर इतना गहरा खुदाई करके बिल्डिंग की नींव रखी जाएगी, यहाँ बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। जैसे जेसीबी सामने लगा हुआ है, नीचे मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू के निर्माण के लिए इतने गहरे चैम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेडियम की जो मजबूती है ये आपको यहीं से देखने पता लग जाएगा। ये लगभग 2 से 3 मीटर गहरा खुदाई हो रहा है। और ये सामने आप देख सकते हैं स्टेडियम को ऊंचा करने के लिए मिट्टी की पटाई की जा रही है वहाँ पर। और यहाँ सामने जो आपको देखने को मिल रहा है ये है जल आपूर्ति के लिए टंकी का निर्माण किया जा रहा है, ताकि आसानी से स्टेडियम में जल की आपूर्ति की जाए। ये देख सकते हैं ये खतरा गहरी खुदाई एलएनटी कंस्ट्रक्शन वीसीएस प्रोजेक्ट गंजारी वाराणसी, यहाँ से मिट्टी की खुदाई हो जा रही है न्यू का निर्माण करने के लिए। जो मिट्टी निकल रहा है आपको ये बता दें, ये सामने देख रहे हैं आप, ये मुख्य ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट खेला जाना है। तो इसको काफ़ी ऊंचाई पर बनाया जाएगा कि ऊंचा करने के लिए मिट्टी फेंका जा रहा है, यहाँ पर मिट्टी की भराई की जा रही है। देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रहा है। ये देख सकते हैं एक तरफ मिट्टी फेंकाई हो रही है, दूसरी तरफ समतलीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेडियम के भीतर ये पानी के लिए बोरिंग कार्य किया जा रहा है, ताकि स्टेडियम के भीतर किसी प्रकार के पानी की कमी ना हो, असुविधा ना हो, ये बोर किया जा रहा है। ये स्टेडियम के पूर्वी दक्षिणी ओर में ये बोर का कार्य किया जा रहा है। और ये अंतिम जगह है, ये बॉर्डर लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो गड्ढा खुदाया हुआ है ये स्टेडियम का बॉर्डर लाइन है। ये जेसीबी के द्वारा मिट्टी को समतल किया जा रहा है, देख सकते हैं। बोरिंग के पश्चात देख सकते हैं ये इतने मोटे पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा अंदर, क्योंकि स्टेडियम बड़ा है तो बोर भी काफ़ी हैवी होना चाहिए, ताकि जल की आपूर्ति काफ़ी आसानी से किया जा सके। दोस्तों यहाँ पर स्टेडियम में कार्य करने वाले लोगों के लिए किचन तैयार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा टीन सेट के साथ तैयार किया जाएगा, ताकि जब तक काम चलता रहे तब तक लोगों को खाने पीने के लिए दिक्कत ना हो। ये जैसे तैयारी इस प्रकार की जा रही है किचन सेट का। और सामने आप देख सकते हैं ये लैट्रिन बाथरूम है, और उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है टेम्पोरेरी टाइप की, वो है आवास एरिया। दोस्तों ये है श्रमिकों के लिए लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था,
दोस्तों आपको बता दें, ये जो श्रमिक लोग कार्य कर रहे हैं, इनके रहने की सुविधा यहाँ बनाई गई है। जो आवासीय सुविधा है वो यहाँ पर है। स्टेडियम में जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, सबकी आवासीय सुविधा यहाँ बनाई गई है। ये ड्रेनेज है बीच में और ये आवास है। ये देख सकते हैं आवास दो फ्लोर का है, नीचे एक फ्लोर ऊपर। वैसे यहाँ भी है एक फ्लोर, यहाँ एक फ्लोर ऊपर। सबकी कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है, L11, L10 इस टाइप के। आप यहाँ देख सकते हैं, ये छोटा सा अलमारी की तरह यहाँ बनाया गया सामान को रखने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं, ये आवास का जो पीछे का एरिया है वो कुछ इस प्रकार का है। और इधर ये देख सकते हैं, स्टेडियम का जो कार्य चल रहा है वो इधर भी है। दोस्तों ये सामने मशीन जो देख रहे हैं, ये टैंकर आकर के यहीं पर फिट होगा, ताकि आसानी से कंक्रीट, सीमेंट, बालू इत्यादि का मिक्सर किया जा सके। ये देख सकते हैं, एक तकनीकी यहाँ फिट की जा चुकी है, दूसरा यहाँ लगने के लिए उसका चैम्बर तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है बस, यहाँ पर आकर के लगना शेष रह गया है। और ये स्टेडियम का पूरा दृश्य है, नेशनल हाईवे, स्टेडियम में कार्य होता हुआ। तो सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो अपने लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, वीडियो आप लोग के लिए बनता है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।